बीजेपी तरफ से ये रिएक्शन आएगा, दिस चाइना तो अरुणाचल को हमेशा साउथ तिब्बत और साउथ चाइना मानता है। और हमारा जो अरुणाचल का इतिहास बोलता है कि उन लोग का चाइनीज का साथ हम लोग को भी ट्रेड रिलेशन भी नहीं था, बटर सिस्टम का रिलेशन भी नहीं था। हम लोग एक अरुणाचल जितना जो वासी है एक इंडिपेंडेंट ट्राइब था उस जमाने में, महाभारत रामायण समय से। उस जमाने में हम लोग को महाभारत रामायण समय में हम लोग को केरोतास बोलता था, जो अभी फिलहाल जो अरुणाचल में ट्राइबल रहने वाला लोग को। तो इसलिए उन लोग से चाइनीज का मेनलैंड से हम लोग को कोई रिलेशन नहीं है। और हम लोग का जितना बॉर्डर इलाका फास्ट है, हमारा ट्रेडिशन लूट है, ट्रेडिशन पहाड़ है, ट्रेडिशनल नदी है, वो हम लोग का अपना अपना अरुणाचल का नाम है। चाइनीज इस तरह का जो पोस्टपोन नाम लगा के इम्पोजिशन करना, ये चाइनीज का इंटरनेशनल जो रिलेशन का ये ठीक नहीं है, ये एक एक इम्पोजिशन है। तो इसके लिए हम बहुत कंडेम करता है। चाइनीज एक डेवलपिंग नेशन इसी तरह का काम नहीं करना है। साउथ एशियन कंट्री में एक गेंद है, इस तरह का अपना भाईचारा हमेशा रखना चाहिए। और सेकेंडली, जो अभी G20 में चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव ना आया, ये ऐसा बोलने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जी हमारा प्रधानमंत्री यहाँ का प्रेसिडेंसी है। तो इसीलिए हम लोग का 53 सिटी में G20 का मीटिंग होना था। यहाँ चाइनीज जरूर नहीं आया होगा, लेकिन दूसरा सिटी में तो रिप्रेजेंट किया है, तो ये यहाँ में कोई इशू नहीं बनता है। ये जो रिनेम किया गया है, ये क्या रिएक्शन नहीं कभी कभी समिट का इन जगह ऑर्गेनाइज करने का कारण से चाइनीज ने इसका रिएक्शन दिया है? नहीं, G20 का जो उसमें चाइनीज रिएक्शन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद एक मेंबर है ना। और ये जितना बड़ा बड़ा देश लोग अपना मेंबर है, ये एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन का बीच में देश देश भर का इकोनॉमिक स्ट्रेटनिंग करना कोऑपरेशन है। तो इसलिए ये बिजनेस इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन है, जैसे साइंटिफिक टेम्परमेंट को कैसे ले जाना है और इन्वायरमेंट को कैसे लेना जाना है, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल में हमारा जो G20 नेशन में रखना है, ये एक माने स्ट्रेटेजिकली ये एक प्लेटफॉर्म है। तो उसमें जी उसमें रिएक्शन चाइनीज होने का क्या जरूर है, खुद मेंबर है।